आपकी स्क्रीन पर जो व्हीकल आपको नजर आ रहा है, ये उन सब एंटरप्राइजेज के लिए या स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए है जो अपना खुद का धंधा चला रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यदि उनको लगता है कि यार मैं अपनी गाड़ी लेके खुद से चलाऊं लेकिन उसका रनिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा, उन सब के लिए ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। आप वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिलायबल है, मजबूत है और टाटा की तरफ से है। नमस्ते। मार्केट के अंदर है, तब से इस स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को, एसयूवी सेगमेंट को रूल करती हुई आई है। इस सेगमेंट का इंपैक्ट इजाद ही इस टाटा एस या था, अभी ये इलेक्ट्रिक के अंदर आ गई है। लास्ट ईयर इसका ईवी मॉडल ये आया था एंड इस साल 2024 में इसका ईवी मॉडल ये आया है। आप इस स्पीड पर ईवी 1000 सेगमेंट का, इनफैक्ट अपनी ट्रक इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी ये रखता है। इसके अंदर आपको पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है 1000 kg की एंड पहले के कंपैरेटिवली इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं, आपकी रनिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी मिल जाएगी। तो इस गाड़ी के हर एक पहलू की बारीक से बारीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। ये जो आपकी स्क्रीन पर कलर देख रहे हो ये भी इनफैक्ट इस सेगमेंट का बिल्कुल नया कलर है। इससे पहले आपने ये कलर कौन सी गाड़ी में देखा है या नहीं देखा, आप कमेंट्स करके बताना। ईवी 1000 का डिजाइन जो है बिल्कुल सिमिलर है, एस जैसा ही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। फिर भी मैं बारीक बारीक पहलू पे बताता चलूं कि आपको इसके अंदर क्या मिलता है। टाटा की लोगों के साथ ग्रिल, इसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलेगी एंड उसके अलावा ब्रांडिंग 1000 की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि इसके मॉडल नेम रखा गया है। लाइट का जो सेटअप है हैलोजन बल्ब बेस्ड रहेगा। यहाँ पर आपको हाई लो बीम, पार्किंग लैंप, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ नजर आ जाएगा और सिंगल यूनिट में ही इसकी लाइट नजर आ जाएगी। नीचे की तरफ फॉग लैंप हाउसिंग अवेलेबल है लेकिन फॉग लैंप प्रोवाइड नहीं किए हैं, फॉग लैंप आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। इस एसयूवी में जो अच्छी बात जो मुझे लगी, इसका बम्पर जो कि बॉडी कलर आपको अवेलेबल हो रहा है, पहले की तरह नहीं है कुछ ब्लैक कलर वाला। साइड प्रोफाइल अभी इस नई ईवी में ज़्यादा कुछ प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं आया है। टेक्निकली इसके फीचर्स को ज़्यादा डेवलप किया है, डिज़ाइन से बेहतर फीचर्स पे फोकस किया गया है और वही यहाँ पर कन्वेंशनल ORVM डोर हैंडल और चाबी से ही इसका दरवाजा लॉक अनलॉक कर सकते हैं एंड साइड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर। लोडिंग एरिया में दो ऑप्शन मिल जा रहे हैं, एक फ्लैट डेक जो कि आपकी स्क्रीन पर है और एक विदाउट बॉडी भी आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा, वो आप डिमांड कर सकते हैं कंपनी से। पीछे की तरफ टेल लाइट हैलोजन बल्ब बेस्ड नजर आएगी। दो पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग सेंसर जो इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं एंड रिवर्स पार्किंग लैंप की प्लेसमेंट आपको यहां पर नजर आएगी और नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आप RTO प्लेट या नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आप यहां पर कर सकते हैं एंड ये वाला एलिमेंट पहले नहीं मिलता था, ये अभी एड ऑन कर दिया है स्पेयर व्हील के ऊपर जो कि आपका फुटस्टेप है गाड़ी के अंदर चढ़ना और उतरना या फिर सामान को चढ़ाना और उतारना, इसकी हेल्प से काफी इजी हो जाएगा। राइट, स्पेयर व्हील यहां पर नजर आएगा, सेम वो टायर साइज मिलेगा जो आपके गाड़ी के अंदर नजर आ रहा है। ये है इसका चार्जिंग एरिया, यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग एंड स्लो चार्जर का ऑप्शन मिल जाएगा। टाटा एस ईवी 1000 का केबिन सिंपल डोर पैड के साथ नॉर्मल मैकेनिज्म एंड ये ग्रैब हैंडल नजर आ जाएगा। लॉक अनलॉक के लिए कुछ ऐसा यहाँ पर लीवर मिलेगा। यहाँ पर व्हीकल स्टार्टिंग स्टेप दिया है, अच्छी बात है, बट यार ये बाइलिंगुअल होना चाहिए था, हिंदी इंग्लिश में हो जाता तो दैट विल बी बेटर और लोगों को समझने में ज्यादा आसानी हो सकती थी। सीट विनाइल अपोलोस्ट्री के साथ मिल रही है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा एंड आप यहाँ से इसको आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील पर काम किया है टाटा ने, इसको थोड़ा और कंफर्टेबल बनाया है। पावर स्टीयरिंग व्हील नहीं है लेकिन काफी इजी है, जैसे अभी देखिए एक हाथ से मैं इसको घुमा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं है बट ये टाटा ने इस पे इंजीनियरिंग किया है। पावर नहीं है लेकिन पावर से कम भी नहीं है।
गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन एंड ब्रेक का तो सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि ड्राइव जो है नॉब से होगा। कुछ ऐसा इसका स्पीडोमीटर मिलेगा फुल्ली डिजिटल, जिसके अंदर यहाँ पर रेंज नज़र आ जाएगी, इधर स्पीड नज़र आ जाएगी, एंड ये चलने के लिए तैयार है। मैंने ब्रेक लगा रखा है, यहाँ पर हेडलाइट लेवलर, एक 5 वोल्ट USB चार्जर मिल जाएगा, लॉकेबल आपको ग्लो बॉक्स, और यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट आप डैशबोर्ड पर कर सकते हैं, इधर प्लेस दिया हुआ है। एक चीज़ समझ में नहीं आई, इसके अंदर AC का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, इसके अंदर हो सकता है AC फ्यूचर में आ जाए। ब्रेक फ्लूइड यहाँ से आप टॉप अप कर सकते हैं। कैबिन के अंदर छोटा सा IRVM, सनसेट केवल ड्राइवर साइड मिलेगा, लैंप हैलोजन में इसका कैबिन लैंप नज़र आ जाएगा आपको। पीछे की तरफ जो ग्लास है वो फिक्स है, और को ड्राइवर साइड की सीट भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ नज़र आएगी। बीच में ये यहाँ पर सॉलिड बेस, यहाँ पर आप अपना लगेज वगैरह भी रख सकते हैं। दूसरा पीछे यहाँ पर आप अपना कुछ वाटर बॉटल वगैरह हैंग कर सकते हैं। सीट के पीछे आपको इसकी एक्सेसरीज वगैरह नज़र आ जाएंगी, लाइक जैसे इसका जो पंचर रिपेयर किट है या जो इसके जैक वगैरह हैं वो पीछे की तरफ नज़र आएंगे। कैबिन थ्रू एंड थ्रू है, आप पास कर सकते हैं, पासेस मिल जाएगा, आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इजीली जा सकते हैं। हैंड ब्रेक कुछ यहाँ पर मिलेगा, और ये हैं इसके ड्राइव मोड, यहाँ पर आपको 3 मोड मिलते हैं, न्यूट्रल, रिवर्स एंड ड्राइव। ये सेम नॉब है, इससे पहले जो ACV आता था उसमें भी सेम आती थी, नेक्सोन में भी ये पहले आती थी, तो वेरी मच फैमिलियर हैं। एंड यहाँ पर पैडिंग ये अलग से करके दी है, ये अच्छी चीज़ है, शायद पहले नहीं थी ये, अभी दी है। ग्रैब हैंडल आपको केवल को ड्राइवर साइड नज़र आएगा, ड्राइवर यहाँ पर स्टीयरिंग पकड़ के चढ़ सकता है। टायर एंड सस्पेंशन, पहले टायर की बात कर ले, गाड़ी के अंदर मिलते हैं 13 इंच ट्यूबलेस टायर दिए हैं, एंड यहाँ पर जो टायर डायमेंशन मिल रहा है वो मिलेगा 155 R13 LT का ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, स्पेयर व्हील भी 13 इंच के साइज के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगा। फ्रंट में रिजिड एक्सल के साथ पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग एज ए सस्पेंशन नज़र आएंगी विद शॉक्स, और ये कैबिन को काफ़ी कंफर्टेबल राइड देने वाली है। पीछे की तरफ लाइव एक्सल है, और इस पर आपको सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग नज़र आएंगी विद शॉक एब्जॉर्बर। डायमेंशन एंड कैपेसिटी, गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 3800 mm की रहेगी, विड्थ 1500 mm की रहेगी, गाड़ी की हाइट 1840 mm की, व्हील बेस 2100 mm का रहेगा, और जो इसका टर्निंग रेडियस है वो 4300 mm का रहेगा। ग्रेडिबिलिटी 11.3 डिग्री की यहाँ पर मिलने वाली है। इसका फ्रंट ट्रैक है 1310 mm का, रियर ट्रैक है 1343 mm का, एंड गाड़ी के टेलबोर्ड की या डेक लेंथ की हाइट जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। कमर्शियल व्हीकल है, इसके अंदर इसकी लोडिंग कैपेसिटी की बात ना करें तो सारी वीडियो ही बेकार है। इसके अंदर मिलती है 1000 kg का पेलोड कैपेसिटी, जो सेगमेंट में क्या इंडस्ट्री में 1000 kg की पेलोड कैपेसिटी के साथ और कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं है, आई थिंक सो। यदि आपको लगता है अवेलेबल है, डू लेट मी नो, उसका नाम बताओ, उसके बारे में भी हम आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करें। और इसका जो TVW है वो है 2120 kg का, कैबिन कैपेसिटी 2 ड्राइवर प्लस 1 की रहेगी। बैटरी एंड इट्स कैपेसिटी, बैटरी 21.3 kWh का बैटरी पैक है, जो पहले भी मिलता था। इस गाड़ी के अंदर अभी पहले से ज़्यादा रेंज मिल रही है। अभी कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 161 km का क्लेम कर रही है एक चार्जिंग के साथ। लिथियम आयन फोस्फेट बैटरी, LFP बैटरी मिल रही है, IP रेटिंग 67 के साथ, और इसका चार्जिंग यहाँ से, चार्जिंग टाइम पहले की तरह इसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, एंड जो है इसको नॉर्मल आप AC प्लग से भी चार्ज कर सकते हैं। AC प्लग से चार्ज करने में 0 to 100 7 घंटे में हो जाएगी, आप आराम से कर सकते हैं। एंड आपको मल्टी ट्रिप मारना है तो आपके लिए ये चार्जर है, DC का फास्ट चार्जर, जो कि इसको 0 to 80 करीब 1 घंटा और 5 मिनट में करके दे देगा। इसकी रियर एक्सल और अंडरपिनिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिवाइज किया गया है, इसके स्टेयरिंग को रिवाइज किया गया है इस फेसलिफ्ट के दौरान, एंड जिसकी वजह से पावर का वेस्टेज जो है पहले के कंपैरेटिवली कम है, और इसी वजह से ये जो है अभी ज़्यादा किलोमीटर चल के रहता है। बाकी इसके अंदर जो है आपको AC पावर ट्रेन,
इस बैटरी पैक एंड मोटर के साथ यहाँ पर पावर मिलती है 36 HP की और टॉर्क मिलेगा यहाँ पे 130 न्यूटन मीटर का। टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की। राइवल्स, फ्रेंकली स्पीकिंग, इस गाड़ी का एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री में फोर व्हीलर में कोई राइवल नहीं है, ये इकलौता है। प्राइस रेंज जो है, एक्स शोरूम प्राइस है 11.5 लाख इंडियन रुपीज के अंदर। वैसे आपके स्टेट में सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, आप मुझे कमेंट्स करके बताना ताकि पता लगे कि कौन कौन स्टेट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी अभी दे रहा है। वारंटी, गाड़ी की वारंटी जो है 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर मिलेगी। एंड जो ये इसका बैटरी पैक है, इस पर आपको जो वारंटी मिल रही है वो 7 साल और 1,75,000 किलोमीटर की वारंटी। तो कैसी लगी आपको ये टाटा एस ईवी 1000? डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आप अपने उन दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं और जिनके सपनों की उड़ान काफ़ी लंबी है। माइट बी ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट कमर्शियल या ICE इंजन जो है उसके कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। एंड फास्ट चार्जिंग के साथ इसके अंदर आपको स्कोप मिलता है कि मल्टीपल ट्रिप्स आप कैरी ऑन कर सकते हैं। 1 घंटे के ब्रेक के बाद आप अगेन 160 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू वेरी सून विद अनदर वन। तब तक आप टू व्हीलर चला रहे तो हेलमेट का प्रयोग और फोर व्हीलर चला रहे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें।